पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये बिहार के हैं, करारी के हैं, और इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमान को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं, जहां करारी को, करारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जनसुराज जनरल साहब के नेतृत्व में। हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है, और ऐसे में जनसुराज है वो तरारी सीट को लेकर अपने जो कैंडिडेट है वो घोषित कर दिए हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों। भारती जी का और सभी साथियों का यहां अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूं, और आपको बस इतना ही कहूंगा कि जो बात जनसुराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहां पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं, और ये जनसुराज की पहचान है, और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए। जो प्रशांत किशोर ने जनसुराज के साथियों ने कहा उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस रारन अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस करारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जनसुराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे, और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जनसुराज परिवार के लिए, जनसुराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं, और इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमान को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं, जहां तरारी को, तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जनसुराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहां तरारी से आए हुए कुछ हमारे, क्या बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में। यहाँ
नमस्ते देवियों और सज्जनों, आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश की लगभग शीर्षतम स्तर पर आकर देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सन ऑफ द सॉयल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तराई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तराई कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने बारे में कहें। तो आपने सुना, साफ तौर पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती और वहीं जो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार क्या कुछ कर रहे थे। तमाम को रोबन न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।